शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का स्टडी विद ए न्यू चैप्टर, एक अलग तरह का चैप्टर जो कि आप जनरली नहीं पढ़ते होंगे, जो कि आप जनरली इग्नोर करते होंगे। वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइंस। एक्चुअल में आप केमिस्ट्री पढ़ो या फिजिक्स पढ़ो, दोनों जगह, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, दोनों जगह इस चैप्टर का नीड जरूर पड़ेगा। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट इस चैप्टर को लोग इग्नोर कर देते हैं, इस चैप्टर को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो फिजिक्स में भी दिया गया है इस चैप्टर को बहुत डिटेल में, और केमिस्ट्री में भी कुछ दिया गया है, बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी चीजें हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ और जो हम लोग को पढ़ना है, जिससे कि सवाल पूछा जा सकता है, और ये कॉमन टॉपिक है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज। जैसे कि आप लोग सुने होंगे लॉ, थ्योरी, हाइपोथेसिस, मॉडल, ये सब क्या होता है, कैसे आता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, एरर वगैरह कैसे आता है, मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है, यही सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली दो चीज, पहला तो साइंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, उस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, मेजरमेंट में एरर क्या होता है। और इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में एक और तीसरा पॉइंट भी बताएंगे आपको, जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, बिकॉज कभी कभी जेई और पीएमटी ऐसा सवाल पूछता है कि आप सिंपली उसको यूनिट डायमेंशन की मदद से बना सको। तो हम लोग सबसे लास्ट में आपको साइंस के बारे में बेसिक नॉलेज दे करके, मेजरमेंट का तरीका बता करके, हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन का यूज बताएंगे कि कैसे आप यूनिट डायमेंशन का यूज करके बड़े बड़े सवाल को आप बहुत स्मॉल स्टेप में कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हम लोग डायमेंशन रटेंगे नहीं, हम लोग यूनिट रटेंगे नहीं, यूनिट और डायमेंशन रटने की चीजें नहीं है। जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे सारा चीजें, सारा फिजिकल डिफिनेशन, सारे फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको उसका यूनिट अपने आप पता चल जाएगा, तो इसमें रटने का जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिट डायमेंशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिसके आधार पे अच्छे अच्छे सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आपको तीन पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, पहला साइंस क्या होता है इसके बारे में नॉलेज देना, लॉ क्या है, थ्योरी क्या है, कैसे कोई चीज साइंस का डेवलपमेंट होता है, लॉ बनता है, थ्योरी बनता है। दूसरा हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे हो रहा है, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, मेजरमेंट में एरर क्या होता है, और तीसरा हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का यूज पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग यूनिट डायमेंशन का यूज करके अच्छे अच्छे सवालों को कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं साइंस का डिफिनेशन एज वेल एज साइंस का डेवलपमेंट। बात अगर हम साइंस के डिफिनेशन की करें तो साइंस का डिफिनेशन बहुत ब्रॉड होता है, साइंस का डिफिनेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, किसी एक डिफिनेशन को लिख पाना बहुत इम्पॉसिबल टाइप का काम है, क्योंकि एक डिफिनेशन से सारा आप साइंस को डिफाइन कर सको। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग साइंस को एक सिंपल लाइन में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी। ये गौर करने वाला बात है, साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी, ये सिस्टमैटिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तैसे स्टडी करना साइंस नहीं कहलाता है, साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी। और इसलिए जब भी आप साइंस में कोई भी चैप्टर पढ़ते हो और अगर आप सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं रखते हो तो आपको साइंस का स्टडी नहीं कर रहा, आपको गलत नॉलेज होगा, आपको
गलत रिजल्ट में पहुंचोगे। तो साइंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस जो है सिस्टमैटिक स्टडी है मिस्ट्री ऑफ नेचर का। मिस्ट्री मतलब रहस्य। जो भी आपके सराउंडिंग में, जो भी आपके सराउंडिंग में फिनोमेना हो रहा है वो क्यों है, वो कैसे है, इसी का स्टडी क्या होगा, साइंस होगा। हर चीज जो आपके सराउंडिंग में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसी का सिस्टमैटिक स्टडी जो होता है साइंस होता है। ठीक है, तो साइंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। नेचर के रहस्य का सिस्टमैटिक स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, सवाल ये उठता है कि साइंस डेवलप कैसे करता है, साइंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो साइंस का डेवलपमेंट कुछ डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू होता है, और उन्हीं सभी स्टेप्स को जिसके थ्रू साइंस डेवलप करता है उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट का कुछ डिफरेंट स्टेप्स है जिसके थ्रू साइंस प्रोसीड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो साइंस डेवलप डेवलप थ्रू ए डिफरेंट मेथड, थ्रू ए डिफरेंट मेथड ए डिफरेंट स्टेप्स विच इज कॉल्ड, सभी स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, साइंस होगा एक डिफिनेट मेथड के थ्रू प्रोसीड करता है, इसी को हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सवाल ये है कि साइंटिफिक मेथड में क्या क्या स्टेप्स होगा। तो साइंटिफिक मेथड में फॉलोइंग स्टेप्स होता है, सबसे पहला काम होता है साइंटिफिक स्टेप में ऑब्जर्वेशन करना। जब भी आप इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो कि क्यों क्यों आपके सराउंडिंग में एयर आना जरूरी है, क्यों मतलब आपको जो है ब्रेथ लेना जरूरी है, कैसे ये डीवीडी वर्क कर रहा है, या कैसे आप जी रहे हो। ये बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि आप देख रहे होगे, जो आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, और उसी को समझना होता है। बहुत सारा चीज ऐसा है जो आप ऑब्जर्व आंख से ना करके, मतलब सिंपली नेकेड आई से ना करके आपको माइनूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मेंटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है सबसे प्राइमरी चीज है, सबसे फंडामेंटल, सबसे पहला स्टेप होता है साइंस के डेवलपमेंट का। जब तक आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप उसके मिस्ट्री के बारे में सोचने का प्रयास नहीं करोगे। तो ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक स्टेप, सबसे पहला स्टेप है साइंस के डेवलपमेंट का। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन सब लोग कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कोई साइंटिस्ट का काम नहीं, हर इंसान हर एनिमल ऑब्जर्वेशन कर रहा है। हालांकि ऑब्जर्वेशन के बाद एक्चुअल में साइंस का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करना। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज द फंडामेंटल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो मेकिंग ऑब्जर्वेशन, मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज फंडामेंटल स्टेप, इज फंडामेंटल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ, इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जब आप तक, जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक साइंस का डेवलपमेंट संभव ही नहीं।
तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन करना। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को तभी आप उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करोगे और तभी साइंस डेवलप करेगा। अब देखिए दो तरह का ऑब्जर्वेशन होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात कहें तो अगर हम स्टेटमेंट दें कि मैं लंबा हूं, दिल्ली दूर है, ये सभी क्या है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। आकाश नीला है, स्काई इज ब्लू, दिल्ली इज फार है। ठीक है, आई एम टॉल, तो ये सभी जो स्टेटमेंट है ये सब क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन बता रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सच ऑब्जर्वेशंस टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सच ऑब्जर्वेशन टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आई एम टॉलर देन यू, ये अगर हम लिखते हैं कि मैं तुमसे लंबा हूं, कितना लंबा हूं नहीं पता, उस लंबा हूं ये बोल रहा हूं। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ, क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इस तरह का ऑब्जर्वेशन जो है क्वांटिटी के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं आई एम टॉलर देन यू, तो इसमें अगर हम ये बोल रहे हैं कि आई एम 1 फीट टॉलर देन यू, इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली हमको पता चल रहा है कि हम 1 फीट किसी से लंबे हैं, मतलब तुमसे लंबे हैं, मतलब 1 फीट उससे लंबे हैं। ठीक है, तो यही क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ। दिल्ली इज 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम पटना। ठीक है, तो ये जो हुआ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुआ, स्काई इज 70% ब्लू, जो ब्लू डीप ब्लू कलर होगा, कंप्लीट ब्लू कलर होगा, उसका 70% है। तो ये सब हुआ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगा इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन प्रीफर्ड किया जाता है ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आपका जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम बोल रहे हैं आई एम टॉलर देन यू, और हम बोल रहे हैं आई एम 1 फीट टॉलर देन यू, डेफिनेटली द सेकेंड स्टेटमेंट इज मोर इन्फॉर्मेटिव देन फर्स्ट स्टेटमेंट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें कि हम ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे 1 फीट लंबा हूं, और दूसरे में पहले हम बोल रहे थे मैं तुमसे लंबा हूं, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज मोर इन्फॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिल रहा है, और इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को प्रीफर किया जाता है ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सच ऑब्जर्वेशन टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो आई एम 1 फीट टॉलर देन यू, मैं तुमसे 1 फीट लंबा हूं, तो एग्जैक्टली पता चल रहा है कि हाँ कितना है, स्काई इज 70% ब्लू। एक हम डेटा अपनी मर्जी से सेट कर रहे हैं, ये सब आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा नहीं कि स्काई 70% बोल दिए तो स्काई 70% ही है, बस हम बोल रहे हैं एक डेटा सेट कर रहे हैं।
आपको ऐसा दिख रहा होगा, समझ ही रहे होंगे, आपको भी बताया गया कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज प्रीफर्ड ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज प्रीफर्ड ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको प्रीफर किया जाता है ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ऑल्सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जब भी आप करते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसलिए मेजरमेंट जो होगा सबसे फंडामेंटल स्टेप होगा डेवलपमेंट ऑफ साइंस का। तो हम लोग जो दूसरा पार्ट इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट और उसमें जो एरर होगा एसोसिएटेड, उन सभी चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात यही है कि अगर आप साइंस के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो तो साइंटिफिक मेथड जरूरी है, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप होता है मेकिंग ऑब्जर्वेशन। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आप मिस्ट्री ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने का, समझने का प्रयास नहीं करोगे। हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस कैसे डेवलप करता है। जैसे कि आप जानते होंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले न्यूटन्स ने क्या देखा था, सब लोग इस कहानी से वाकिफ हो गए, जान रहे होंगे कि सबसे पहले न्यूटन्स ने देखा था कि सेब जो है, एप्पल जो है, ट्री से नीचे की तरफ गिर रहा है। सेब जो होगा, एप्पल जो होगा, नीचे की तरफ गिरा, पृथ्वी की तरफ गिरा था। तो सबसे पहले उसने देखा कि सेब नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो उसने पहला काम किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद जैसा कि अगर आपको कहानी पता है न्यूटन का, तो आपको पता होगा कि न्यूटन ने क्या किया कि बहुत सारे, जब उसने देखा कि सेब नीचे की तरफ गिर रहा है, उसने बहुत सारे चीजों को, पत्थर लेकर के ऊपर फेंका, कोई और चीज को ऊपर फेंका, देखा हर चीज ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के बाद कुछ एक्सटेंड के बाद फिर वापस लौट जा रहा है। इसी से उसने कंक्लूजन निकाला कि पृथ्वी जो है हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टुवर्ड सेल्फ। ठीक है, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया बाई ऑब्जर्विंग सिमिलरिटीज इन ऑब्जर्वेशन। सेब को नीचे गिरते देखा, पत्थर को नीचे गिरते देखा, पत्ते को नीचे गिरते देखा, बहुत सारे चीजों को जब उसने देखा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसने एक जनरलाइजेशन किया कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दूसरा काम यही होगा, जनरल ट्रेंड देखना। ठीक है, फॉर्मेशन होता है जब आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और उसमें एक जनरल ट्रेंड देख लेते हो। हर समय ऑब्जर्वेशन उसी तरह का हो रहा है, उसी की मदद से आपको एक लॉ बनता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कहानी के लिए, न्यूटन्स लॉ के लिए, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के लिए, कि जब न्यूटन ने देखा हर चीज को अर्थ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कर रही है, तो इसके आधार पे कहा गया कि अर्थ जो है सभी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, और एक लॉ बना। जैसे कि आप बहुत सारा लॉ जानते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। तो कैसे बना ये लॉ, लॉ बना, एक रिएक्शन में देखा कि मास कंजर्व है, दो रिएक्शन में देखा, तीन में देखा, दस में देखा, बीस में देखा, हजार में देखा, लाख में देखा, जब देखा गया हर रिएक्शन में मास कंजर्व आ रहा है, तो इससे लॉ बन गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जिसके अनुसार हर केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि सन राइजेज इन ईस्ट, सन जो है ईस्ट में राइज करता है, पूरब में उगता है। आप एक दिन देखिए, दो दिन देखिए, तीन दिन देखिए, हर लोग हर डेली देख रहा है, इससे एक लॉ बन गया
कि सन जो है ईस्ट में उगता है, सन राइजेज इन ईस्ट। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ लॉ का तरीका है। जब भी आप लॉ का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आप एक जनरल ट्रेंड देखना चाहते हो अपने ऑब्जर्वेशन में, और उसी जनरल ट्रेंड के आधार पे एक नेचुरल लॉ बनता है। ठीक है, तो बाई लुकिंग एट जनरल ट्रेंड इन ऑब्जर्वेशन, बाय लुकिंग एट जनरल ट्रेंड इन ऑब्जर्वेशन, नेचुरल लॉज आर फॉर्म्ड। नेचुरल लॉज आर फॉर्म्ड, नेचुरल लॉ बनता है इस तरह से है कि आप जो अपने ऑब्जर्वेशन है उसमें आप एक जनरल ट्रेंड ढूंढ लो। अगर आप एक जनरल ट्रेंड ढूंढ लिए तो आपका लॉ बन गया। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लोग बहुत सारे लॉ से वाकिफ होंगे, न्यूटन्स लॉ, ये सभी जो है जनरल ऑब्जर्वेशन से आया हुआ है। और भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बहुत सारा लॉ है जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, स्मरणा, यही सब लॉ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जनरल ट्रेंड से लॉ आया है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बस आप इसको वैलिड करा के देख सकते हो कि हाँ लॉ वैलिड है। इस लॉ के आधार पे मास कंजर्व है, इसलिए एक्स रे मास कंजर्व है, इसलिए या अलग एक्स रे मास कंजर्व है, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉ कांट बी प्रूव्ड, लॉ कांट बी प्रूव्ड, इट कैन बी ओनली, इट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस, इट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस, आप कह सकते हो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बाय आवर कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो, और वेरीफाई कर सकते हैं, कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो प्रूफ नहीं किया जा सकता है लॉ। ये दूसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड में, दूसरा स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ लॉ, द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस का, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डेवलपमेंट ऑफ साइंस का यही है, डेवलपिंग थ्योरी, थ्योरी को डेवलप करना, और इसी में आपको समझना होगा ज्यादा। तो सबसे जो मेजर स्टेप है साइंटिस्टों का, सबसे मेजर जो वर्क होता है वो यही पे होता है, डेवलपिंग थ्योरी। ठीक है, जब आपके पास कोई लॉ आता है तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उस लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व रह रहा है, तब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मास क्यों कंजर्व रह रहा है, क्या तरीका होगा इसको सोचने का, कैसे हम सोचें ताकि ये हम एक्सप्लेन कर सकें कि मास कंजर्व रह रहा है, उसी के लिए थ्योरी दिया जाता है। कोई भी चीज जब आप लॉ बना लेते हो, जनरल ट्रेंड देख लेते हो, तो सवाल उठता है क्यों हो रहा है वो, इसी क्यों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो टू एक्सप्लेन द लॉ फॉर ए सेट ऑफ एजम्पशंस, ए सेट ऑफ एजम्पशंस is put forth, to explain the law for, जो law बना उसके लिए a set of assumptions is put forth which is called theory, इसको कि हम लोग क्या कहते हैं, theory कहते हैं। जो आपका law बना,
जो आपका लॉ बना क्यों बना उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ माना जाता है सेट ऑफ एजम्पशंस, कुछ माना जाता है, कुछ पॉइंट्स को माना जाता है, उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग थ्योरी कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआत में यह थ्योरी नहीं कहा जाता है बल्कि शुरुआत में इसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जो है सेट ऑफ एजम्पशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इनिशियली जो होगा सेट ऑफ एजम्पशंस को हाइपोथेसिस कहते हैं, विच आर मॉडिफाइड एंड चेक्ड ओवर मेनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एंड आफ्टर विच एंड देन आफ्टर द सेट ऑफ एजम्पशन एंड देन आफ्टर द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड थ्योरी। ठीक है, पॉइंट ये है कि जब आप कुछ सेट ऑफ एजम्पशंस रखते हो किसी पार्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तो उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है शुरुआत में। जब उस सेट ऑफ एजम्पशंस को सभी साइंटिस्ट लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सही है, सभी लोग मान लेते हैं, सभी लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई करके देख लेते हैं, तब उस सेट ऑफ एजम्पशन को थ्योरी कहते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस है उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके, हाइपोथेसिस हुआ मतलब एक साइंटिस्ट मान लिया कुछ, उसने सोचा, उसने सबके सामने प्रेजेंट किया, सभी लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में उसको चेक किया और उसमें कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन किया, जिसके बाद क्या होता है वो थ्योरी या मॉडल का रूप लेता है। ठीक है, मॉडल का रूप लेता है, मॉडल या थ्योरी एक ही चीज है लगभग लगभग, ये बात हम बता दें कि एग्जैक्टली नहीं लगभग, आप मॉडल बोलते हो या थ्योरी बोलते हो आप लगभग एक ही चीज मानोगे। वैसे अगर हम डिटेल में कहना चाहें तो हम आपको मॉडल से भी ज्यादा एडवांस थ्योरी कर देंगे। ठीक है, कि मॉडल से ज्यादा एडवांस थ्योरी है, लेकिन किताबों में लोग मॉडल और थ्योरी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हाइपोथेसिस को अलग यूज करते हैं लेकिन मॉडल थ्योरी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। लेकिन हम बता दें कि थ्योरी सबसे लास्ट फॉर्म है, मॉडल ये है। देखो अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस क्या हुआ, जब सेट ऑफ एजम्पशन दिया गया उसी को हाइपोथेसिस बोला गया, मतलब ये चाइल्ड फॉर्म है, मतलब जस्ट जब बर्थ हुआ है एजम्पशन का उसी समय, ये जो है यंग फॉर्म है और ये जो है ओल्ड फॉर्म है एजम्पशन का। मतलब आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस के गलत होने का चांस ज्यादा है, मॉडल के गलत होने का कम चांस होता है और थ्योरी के गलत होने का चांस बहुत कम होता है यही चीज। मॉडल और थ्योरी को लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली अगर बात करना चाहें तो हाइपोथेसिस से मॉडिफिकेशन करके मॉडल बनता है। मॉडल ऑन लॉन्ग टर्म आफ्टर, मतलब कुछ दिन के बाद जब अच्छा खासा उसको वेरीफाइड कर लिया जाए तो उसको थ्योरी में बदल दिया जाता है, थ्योरी बोला जाता है। लेकिन आप मॉडल और थ्योरी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन मॉडल बोले या हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी बोले, एक ही चीज है, कोई गलत नहीं कहेगा। बीएससीपीआर मॉडल बोले, बीएससीपीआर थ्योरी बोले, एक ही चीज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल बोले, एक ही चीज है। तो आप सेम ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोई भी थ्योरी या मॉडल कितना भी पुराना आप उसको परफेक्ट नहीं कहते हो, बिकॉज हो सकता है कि वो थ्योरी या मॉडल अभी तक जो भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो आप, अभी तक जो लॉ आया है उसको एक्सप्लेन कर रहा, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ एक्सपेरिमेंट होगा,
या ऑब्जर्वेशन आएगा, हो सकता है उसको एक्सप्लेन ना कर पाए। इसलिए नो मैटर हाउ मच द थ्योरी इज ओल्ड और गुड, इट इज नेवर कॉल्ड परफेक्ट। थ्योरी इज नेवर कॉल्ड परफेक्ट बिकॉज फ्यूचर में इसके गलत होने का संभावना हमेशा बना हुआ है। ठीक है, तो ए थ्योरी इज नेवर कॉल्ड परफेक्ट, ए थ्योरी इज नेवर कॉल्ड परफेक्ट बिकॉज नो मैटर बिकॉज इन फ्यूचर, लिखते हैं इन फ्यूचर इट मे नॉट एक्सप्लेन, शायद ये कोई एक्सप्लेन ना कर पाए, इट मे नॉट एक्सप्लेन एनी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कोई पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसलिए थ्योरी कितना भी पुराना हो, कितना भी अच्छा हो, आप उसको क्या कहोगे, परफेक्ट नहीं कहोगे, बिकॉज फ्यूचर में इसके गलत होने का चांस कुछ बना रहता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस के डेवलपमेंट का। अब देखिए उसके बाद चौथा स्टेप होता है कि जो आपने थ्योरी बनाया उसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना बाय फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। चौथा स्टेप है कि फर्दर एक्सपेरिमेंट टू चेक द थ्योरी। जो थ्योरी आपने बनाया उसको कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है बाय फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। और अगर थ्योरी मान लो उस फर्दर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब हम लोग थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ये चीज भी गौर करने लायक है, अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन को थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हम लोग थ्योरी को डिस्कार्ड नहीं कर देते हैं, थ्योरी को फेंक नहीं देते हैं, बल्कि उस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और उस मॉडिफिकेशन के साथ थ्योरी को फिर यूज किया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी कॉन्स्टेंटली चेक बाय फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। थ्योरीज आर कॉन्स्टेंटली चेक बाय फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। If the existing theory doesn't explain any particular experiment, then modifications are made in theory. तब हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी में मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो तो, और अगर कर पा रहा है तो फिर वही प्रोसेस रिपीट करोगे, फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट करोगे और चेक करते रहोगे कि जो आपका थ्योरी दिया गया है वो परफेक्ट, मतलब वो वैलिड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वैलिड नहीं हो पा रहा है तो हम उसको डिस्कार्ड नहीं करके उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल यूज द पार्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, तो यही जो है साइंटिफिक मेथड का स्टेप्स है। चार स्टेप आपने पढ़ा, पहला ऑब्जर्वेशन करना, दूसरा लॉ बनाना, तीसरा थ्योरी बनाना और चौथा थ्योरी को चेक करते रहना और उसमें मॉडिफिकेशन करते रहना अगर वो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो साइंटिफिक मेथड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि साइंटिफिक मेथड में फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहला है मेकिंग ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा सबसे पहले, फिर आफ्टर मेकिंग ऑब्जर्वेशन के बाद ठीक है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, लॉ को बनाना होगा ठीक है फॉर्मेशन ऑफ लॉ, और लॉ को बनाने के बाद फिर आपको डेवलप करना होगा थ्योरी, डेवलपिंग थ्योरी, और उसके बाद आपको क्या करना होता है फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा टू चेक द थ्योरी, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन टू चेक द थ्योरी, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन टू चेक द थ्योरी, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्योरी को एक्सप्लेन, थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, तो डज थ्योरी एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट, क्या थ्योरी जो है एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, ये एक सवाल है। तो अगर करता है एस, अगर इस क्वेश्चन का आंसर है एस, तब आप सीधे सीधे क्या करोगे थ्योरी में चले जाओगे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, और आप फिर वापस इसी में करते रहोगे। और अगर आंसर हुआ नो, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तब आप क्या करोगे कुछ मॉडिफिकेशन करोगे इन थ्योरी, ठीक है, तब आप क्या करोगे मेक मॉडिफिकेशन इन थ्योरी, तब आप थ्योरी में मॉडिफिकेशन करोगे, एंड देन आफ्टर आप क्या करोगे फिर वापस से आप थ्योरी को मॉडिफाई करके उसमें क्या करोगे थ्योरी को डेवलप करोगे दोबारा, और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट करके चेक करते जाओगे। तो यही साइंटिफिक मेथड का टोटल स्टेप, टोटल स्टेप जो साइंटिफिक मेथड में हम लोग यूज करते हैं वो यही सारा कुछ है। अगली क्लास से हम लोग मेजरमेंट और उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं।